आईपीसी सीआरपीसी की जगह लेने वाले तीनों विधेयक लोकसभा से आज हो सकते हैं पारित। प्रेस और आवधिक पंजीकरण और दूरसंचार विधेयक भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध। उच्च सदन में सीजीएसटी दूसरे संशोधन विधेयक पर होगी चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ कोविड के नए वायरस पर करेंगे समीक्षा बैठक। सभी विभागों की तैयारियों का लिया जाएगा जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से वैश्विक चुनौती का गुणवत्तापूर्ण समाधान ढूंढने का किया आह्वान। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से किया संवाद। कोयला मंत्रालय आज वाणिज्यिक कोयला खदानों की नवे दौर की करेगा नीलामी। इस नीलामी में कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को मिलेगा बढ़ावा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित। 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल पर समर्थकों द्वारा किए गए हमले में उनकी भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई। खेल की खबरों में दूसरे वनडे में टॉनी डी जॉर्जी के नाबाद शतक की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 8 विकेट से हराया। 3 मैच की सीरीज 1-1 से हुई बराबर। कल खेला जाएगा तीसरा और निर्णायक मुकाबला। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सालाना पुरस्कारों में भारत का दबदबा। हार्दिक सिंह बने साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी। वहीं महिला टीम की कप्तान सविता पुनिया ने लगातार तीसरे साल जीता सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर का पुरस्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दिन भर की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र की करते हैं, जहां लोकसभा में आज भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। इन विधेयकों के पारित होने के बाद दूरसंचार विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए रखा जाएगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल प्रस्ताव करेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्त और पद की अवधि विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित किया जाए। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 को पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। इन दोनों विधेयकों को राज्यसभा से पहले ही पारित किया जा चुका है। वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय माल व सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 और अनंतिम कर संग्रहण विधेयक 2023 को चर्चा के बाद लोकसभा को लौटाने के लिए प्रस्ताव रखेंगी। लोकसभा इन दोनों विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है। लोकसभा में सुरक्षा में हुई चूक के मामले और विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा हो रहा है और कामकाज में बाधा भी आ रही है। कल भी राज्यसभा की कार्यवाही के बीच हंगामा और नारेबाजी के बीच एक संक्षिप्त चर्चा के बाद सदन ने विनियोग नंबर 3 और 4 विधेयक 2023 को लोकसभा को लौटा दिया। सभापति के आग्रह के बाद भी जब विपक्षी नहीं माने तो उन्होंने कार्यवाही को शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सुरक्षा चूक मुद्दे पर सदन में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, जेडीयू, लेफ्ट और अन्य सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। सभापति ने संसद के बाहर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के उनकी मिमिक्री से जुड़ी घटना को भी शर्मनाक बताया। उधर लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान दूसरा संशोधन विधेयक 2023 को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 को भी पारित कर दिया गया। सदन में भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया।
इस बीच 49 विपक्षी सांसदों को अशोभनीय व्यवहार के लिए शीतकालीन सत्र के बाकी बचे हुए भाग के लिए निलंबित कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन नियमों के मुताबिक चलेगा। लोकसभा में आज का दिन बेहद ही अहम माना जा रहा है और आज ऐसे 3 बिल यहां से पारित हो सकते हैं जो आईपीसी और सीआरपीसी की जगह लेंगे। दरअसल सरकार आजादी के पहले के कानूनों में बड़े बदलाव करने जा रही है। कौन से हैं वो तीनों विधेयक और उनकी मुख्य बातें क्या कुछ हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सरकार आपराधिक कानूनों और इन्हें लागू करने की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव कर रही है। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लाया गया है। अगर बात करें इन 3 विधेयकों की मुख्य विशेषताओं की तो 1860 के भारतीय दंड संहिता की जगह लाए गए भारतीय न्याय संहिता में धाराओं की संख्या कम हुई है। आईपीसी में 511 धाराएं हैं जबकि न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म होंगी। भारतीय न्याय संहिता से लाए जा रहे बड़े बदलावों की बात करें तो इसमें आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग से जुड़े अपराधों को जोड़ा गया है और इनमें मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है। इससे पहले आतंकवाद को UAPA और संगठित अपराधों को मकोका जैसे विशेष कानूनों के जरिए दंडित किया जाता था। आतंकवाद को परिभाषित करते हुए देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालना, आम जनता को डराना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना आतंकवाद माना गया है। इसके लिए मौत या उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट पर हत्या, जमीन पर कब्जा, वित्तीय घोटाले और अपराध सिंडिकेट की ओर से किए गए साइबर अपराध जैसे अपराधों को संगठित अपराध के दायरे में शामिल किया गया है। संगठित अपराध के मामलों में अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। गैंगरेप के मामले में पीड़ित को बालिग मानने के लिए उम्र को 16 से बढ़ाकर 18 साल किया गया है। व्यभिचार को अपराध घोषित करने वाली आईपीसी की धारा 497 को भारतीय संहिता में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि आईपीसी की धारा 498 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 में बरकरार रखा गया है जो एक पुरुष को दूसरे पुरुष की पत्नी को लुभाने के लिए दंडित करता है। BNS में राजद्रोह कानून को हटाया गया है। इसकी जगह फूट, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने या इसकी कोशिश करने, भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना अपराध घोषित किया गया है। इसके अलावा बिक्री के लिए खाद्य या पेय पदार्थ में मिलावट, मिलावटी दवाइयों और लापरवाही से गाड़ी चलाने जैसे अपराधों को भी भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। छोटे अपराधों जैसे नशे में हंगामा, 5,000 से कम की चोरी के लिए 24 घंटे की सजा या 1,000 रुपए जुर्माना या सामुदायिक सेवा करने की सजा हो सकती है। अपराधी अपराध करके भाग जाते थे, उनका क्या किया जाए, तो उनके लिए एक शब्द था माननीय सभापति जी, एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्ड कर गए। पहली बार इन नियमों में, इन कानूनों में इस बात की चिंता की गई है कि आप उनका क्या करते थे कि आपका ट्रायल सेपरेट कर दिया, अब बाकी का ट्रायल होगा। तो बाकी वाले कहते थे कि भाई हम तो कॉन्स्पिरेसी के तो मेन वो हैं, वो लंदन और अफ्रीका में बैठे हैं, दुबई में और अमेरिका में, कनाडा में, तो हमारे ट्रायल कैसे करेंगे, तो लड़क जाया करता था। अब है उनका ट्रायल सेपरेट नहीं होगा, उनका भी ट्रायल होगा। जो कहते हैं ट्रायल इन एब्सेंशिया, उनको सजा मिलेगी, चाहे तो अपील कर सकते हैं, तो अपील करना पड़ेगा, तो इंसान वापिस आना पड़ेगा। इस तरह सीआरपीसी में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं और नागरिक सुरक्षा संहिता में अब 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी और 9 खत्म होंगी। अगर बात करें बिल की मुख्य बातों की तो अब नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। FIR दर्ज करने से लेकर केस जारी के रखरखाव से लेकर आरोप पत्र दाखिल करने और फैसला सुनाने तक की पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण होगा। FIR के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। न्यायालय ऐसे समय को 90 दिनों के लिए और बढ़ा सकता है जिससे जांच को समाप्त करने की कुल अधिकतम अवधि 180 दिन हो जाएगी। बलात्कार पीड़ितों की जांच करने वाले चिकित्सकों को 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर फैसला देना, फैसला सुनाए जाने के 7 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा। 7 साल या उससे अधिक की सजा वाला कोई भी मामला
पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा। मृत्यु दंड की सजा को अधिकतम आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा को अधिकतम 7 साल के कारावास में बदला जा सकता है और 7 साल की सजा को 3 साल के कारावास में बदला जा सकता है। अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाया गया था वो था इंडियन पिनल कोड। एम एंड ऑब्जेक्ट उस कानून का जो था वो पनिशमेंट देने का था, और अब एम एंड ऑब्जेक्ट इस कानून का जो है भारतीय न्याय संहिता, वो न्याय करने का है, जस्टिस करने का है। और दूसरा, अगर हम देखेंगे नागरिकों के लिए सुरक्षा के लिए किसी तरह से वो असुरक्षित महसूस नहीं करें, ये सोच और ब्रिटिश की सोच में, कॉलोनियल सोच में ये बहुत बड़ा फर्क है। पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, अब नागरिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी, जिसके बाद मुकदमे की लंबित अवधि के दौरान जब्त किए गए वाहन के निपटान को सक्षम करने के लिए अदालत में एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी। ये तीनों बिल 11 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए गए थे, जिसके बाद तीनों विधेयकों को विस्तृत मूल्यांकन के लिए संसद की गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया और समिति को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था। जानकारों के मुताबिक इस नए संशोधन से न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब कोविड की, जो इसके बढ़ते मामले और देश में नए सब वेरिएंट JN1 को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से कोविड-19 की समीक्षा बैठक करेंगे। हालांकि केंद्र सरकार इससे निपटने के लिए सभी तरह के कदम भी उठा रही है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार निगरानी बनाए रखने के लिए कहा है, साथ ही राज्य को अधिक संख्या में RT-PCR टेस्ट सहित पर्याप्त परीक्षण सुनिश्चित करने और पॉजिटिव नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए प्रयोगशालाओं में भेजने की भी सलाह दी है। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए राज्यों को बीमारी के प्रसार के खतरे को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय और अन्य व्यवस्थाएं करने के लिए भी कहा गया है। इसी बीच केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि राज्य में भले ही कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। नवंबर महीने में ही कोविड मामलों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई, इसी के अनुरूप स्वास्थ्य विभाग ने कदम उठाए हैं और साथ ही दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। राज्य चिकित्सा अधिकारियों ने के सम्मेलन में भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर गाजा मनाली मार्ग पर 2 दिन से फंसे 5 पर्यटकों को रेस्क्यू कर लिया गया है। ये जगह स्पिति के लौसर गांव से 40 किलोमीटर दूर है। इस काम में स्थानीय युवकों ने प्रशासन की मदद की। 17 दिसंबर को एक फॉर्चुनर गाड़ी बातल से करीब 10 किलोमीटर दूर चढ़ाई में बर्फ के कारण फंस गई थी और 5 वहां पर फंस गए थे। इनके परिजनों से जानकारी मिलने के बाद जिलाधीश ने स्पिति और केलांग दोनों ओर से रेस्क्यू टीम भेजने का फैसला किया। 18 तारीख को स्पिति की ओर से की गई रेस्क्यू टीम कुंजम टॉप से 3 किलोमीटर ही पीछे तक जा पाई। बर्फ ज्यादा होने की वजह से गाड़ियां फंस गई थी। मंगलवार सुबह 10 गाड़ियों के साथ रेस्क्यू टीम फिर से बातल गांव के लिए निकली और तब सभी को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अयोध्या की, जहां भगवान श्री राम के नव निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण के संघर्ष की कहानी भी इतिहास के पन्नों में होगी। बरसों बरस से धूप सर्दी और बारिश में कार सेवक पुरम में पत्थरों को भी मंदिर की बुनियाद से लेकर गुरु कारगिरों तक अपने को लगाए रखा जाने का इंतजार है। पत्थरों में चित्र उतारते कारीगर बेहद खुश हैं। उन्हें मालूम है कि आने वाले दिनों में वे भगवान राम के भव्य मंदिर बनाने के सहभागी होंगे। अदालत की चौखट से लेकर राजनीति की कठिन गलियों में डूबते उतराते विषय से अनभिज्ञ असम के रंजीत मंडल जैसे कई कारीगर पत्थरों में प्राण डाल रहे हैं। उनकी श्री राम के प्रति श्रद्धा उनके काम को और निखार रही है। 1997 में एक वेदव्यास की मूर्ति बनाए थे गुवाहाटी में, तब माननीय अशोक सिंगल जी हमको उसका अनावरण के लिए गया था तो उन्होंने ले आए थे 97 में। उसके बाद दिल्ली में था, उसके वहाँ से हम चंपत राय जी के साथ कारसेवपुरम आके पहुँचे। तो यहाँ से कोई जगह भेजने के बाद, नानाजी देशमुख जी के पास भेजने के बाद, कोई जगह भेजने के बाद फिर हमको ये 2013 में ये पास हुआ, जो माननीय अशोक सिंगल जी के आदेश था
जब पुत्राष्टी यज्ञ से राज्याभिषेक तक मूर्ति निर्माण करना है, जो हमारा लंका जाने तक हनुमान जी का मूर्ति लगभग तैयारी में है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाल रूप से लेकर लंका विजय तक की मूर्तियां स्वतः रामचरितमानस का संपूर्ण अध्याय बाँचती नजर आ रही हैं। महाराजा दशरथ के पुत्रेष्ठी यज्ञ से लेकर श्री राम के लंका विजय का मनोहारी दृश्य मूर्तियों में बोल रहा है। ये जो है माननीय अशोक जी का, माननीय चंपतराय जी का, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, शायद भगवान प्रभुराम जी का आशीर्वाद है, जिसके कारण जो है ये मूर्ति निर्माण करने में हमको जैसे उन्होंने आशीर्वाद दिए, या हमारे मन में ऐसे कल्पना आ गया कि प्रभु राम ऐसे थे, मेरे पास कोई चित्र भी नहीं था, जो ऐसे कल्पना था कि हो सकता है कि ऐसा हो, जो मैं प्रयास करते गया। आस्था और विश्वास की यह धर्मनगरी भले ही वर्षों तक आशंकाओं के बादल से घिरी रही, लेकिन अयोध्या की भक्ति में शक्ति की ऐसी भाषा और दूरी दोनों मिट जाती है। अब लोगों के मन में यह बात गहरी हो चुकी है कि राम ही समरसता के सच्चे नायक हैं। हिंदी नहीं बोल पाने वाले कर्नाटक से आए लोग जय श्री राम के नारे लगाते देखे गए। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद, और यो आदि नेता आदिनाथ योगी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो बड़ा बड़ा काम करता है, हम भी श्री राम का भक्त, उसके लिए मैं उसको जिंदा है। भगवान राम को राष्ट्र पुरुष माना जाता है, और अयोध्या की धरती पर वही राष्ट्रीय एकीकरण का दृश्य दिखाई देता है। 2.7 एकड़ में फैले 27,400 वर्ग फीट में मंदिर का निर्माण हो रहा है। शिखर सहित मंदिर की कुल ऊंचाई 161 फीट होगी। 360 फीट लंबे और 235 फीट चौड़े श्री राम के मंदिर में जब इस देश के करोड़ों लोग पहुंचेंगे, तो मर्यादा और धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व त्यागने वाले पुरुषोत्तम से साक्षात्कार उनके जीवन को नई दिशा देगा। भगवान राम के मंदिर निर्माण के साथ ही ये परियोजनाएं जब पूर्ण होंगी, तो निश्चित रूप से अयोध्या किसी और रूप में निखरी हुई दिखाई देगी और भव्य होगी, दिव्य होगी, नव्य होगी। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, अयोध्या, डीडी न्यूज़। और अयोध्या के बाद अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तराखंड के तमाम जिलों में पहुंच रही है, जहां लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो साथ ही वो अपने अनुभवों को भी साझा कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफर जारी है। उत्तराखंड के तमाम जिलों में यात्रा पहुंच रही है। बागेश्वर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ द्वारा गांव-गांव में जाकर ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बागेश्वर जिले के दयागण ग्राम सभा में जनता को सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। लाभार्थियों ने बताया कि केंद्र सरकार की हर घर जल योजना से उन्हें काफी लाभ मिल रहा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के पास पहुँच रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा गरीबों को देखते हुए, निचले तबके के लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चलाई जा रही है, और उनका इम्प्लीमेशन जिस प्रकार से किया जा रहा है वह बहुत सराहनीय है। इस मौके पर ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी दी गई। किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित जानकी देवी सरकार की इस योजना से बहुत खुश हैं। वहीं कुंदन सिंह भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बन जाने से केंद्र सरकार की योजनाओं से खुश हैं। हमारे यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा यहाँ पहुँची है, तो इसमें हमको काफ़ी सारी योजनाओं के बारे में पता चला है, और इन योजनाओं का लाभ हमारे गांव में पहुँचा भी है, और एक लाभ की आभारी मैं भी हूँ, वो है किसान सम्मान निधि। तो उसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास मुझे दिया गया है, मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूँ। केंद्र सरकार द्वारा 2047 तक देश को विकसित करने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वही एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शुरू हुआ काशी तमिल संगमम दो संस्कृतियों के मिलन का ध्वजवाहक बनकर सामने आया है। तमिल से आने वाले तमाम पर्यटकों को काशी सहित प्रयागराज, अयोध्या के भी स्थलों को दिखाया जा रहा है।
तीर्थराज प्रयाग के अनुभव उनके सुखद हों और इस पल को वो कभी ना भूलें। इसको लेकर प्रयाग संगम तट पर काशी तमिल संगमम पर सेंड आर्ट भी बनाई गई। प्रयागराज के मशहूर सेंड आर्टिस्ट अजय गुप्ता और उनके सहयोगी साथियों के द्वारा बनाए गए इस कलाकृति में बालू के ऊपर काशी तमिल संगम का लोगो बनाया गया, जिसमें एक तरफ काशी के मंदिर, दूसरी तरफ तमिलनाडु के मंदिर का चित्र अंकित है। साथ ही हिंदी, अंग्रेजी और तमिल भाषा में काशी तमिल संगम को उकेरा गया। प्रयागराज संगम तट पर काशी पहुंचे काशी तमिल संगम के छात्रों के दल ने इसे देखकर खुशी जताई और सेंड आर्ट के साथ अपनी तस्वीरें भी ली। साथ ही बातचीत में उन्होंने बताया कि ये स्वागत का एक बहुत ही यूनिक मॉडल है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हम लोगों ने सेंड आर्ट किया है जो कि काशी तमिल संगमम का। ये आयोजन हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो कराया जा रहा है। सेंड आर्ट में हम लोगों ने काशी तमिल संगमम का यह लोगो अपने आकृति पे उकेर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोगों ने मंदिर बनाया है, यहाँ पे मंदिर काशी का मंदिर जो शिव जी का महादेव का मंदिर है, हम लोगों ने उसको बताया है। साथ में जो तमिल के चिदंबरम मंदिर है, हम लोगों ने भी अपने सैंड आर्ट के जरिए इसको उकेरा है। ये जो संस्कृत मिलान है, आप इस सैंड आर्ट को देख सकते हैं किस प्रकार एक मंदिर दूसरे मंदिर को संस्कृति जोड़ रही है। और वहीं वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर गुलाब के फूल और गन्ना दुबई भेजने का अवसर है और यहां पर जुटान हुआ है उन किसानों का जिनका उत्पाद विदेशों को भेजा जाता है। इस अवसर पर एपीजा के चेयरमैन अभिषेक देव ने किसानों से बात कर उन्हें प्रोत्साहित किया और डीडी न्यूज से खास बातचीत में काशी से विदेशों में भेजे जा रहे उत्पादों के लिए अपनी खुशी भी जाहिर की। आइए सुनते हैं। एपीडा के चेयरमैन अभिषेक देव जी हैं काशी में, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी संस्था के लिए भी और जो एफपीओज के किसान हैं उनके लिए भी? आज की डेट में अगर देखा जाए तो यूपी हमारे जो एपीडा के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम अब तीसरे स्थान पे आ गया है यूपी, और हमारी पूरी अथक प्रयास है कि हम उसमें और भी अच्छा करें। तो जो आज का जो सोने पर सुहागे वाली बात ये है कि जो एक्सपोर्टर हैं हमारे, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जो किसान खुद ही मतलब अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई मिडल मैन नहीं है। तो इससे जो जो उसका आमदनी होती है सीधे डायरेक्ट किसान को जाती है। तो आप देखेंगे कि तीन इसमें एफपीओ हैं और तरह तरह के वो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फूल ले लीजिए आप, गुलाब के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, फिर गन्ना भी है बीच में आपका लहसुन भी है, तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोकली सोर्स्ड हुए हैं। इसको हम आपका मिडल ईस्ट भेज रहे हैं, तरह तरह के फूल हम भेज रहे हैं दुबई में, फिर हमारे इसमें गन्ना भी है, गन्ना का भी एक सैंपल हम भेज रहे हैं कि वहाँ पर वो कहते हैं कि गन्ने का डायरेक्टली वो मशीन है वहाँ से जूस निकालते हैं, तो वो एक नया प्रोडक्ट ये सैंपल के तौर पे भेज रहे हैं। फिर इसमें तरह तरह की हम सब्जियाँ भेज रहे हैं, अपना लहसुन भेज रहे हैं, आपका मिर्चा भेज रहे हैं। तो इस तरह हमने भी पिछली बार भी अभी करा था, सिंघाड़े का करा था एक्सपोर्ट, उससे पहले हमने केले का करा था। तो ये हम नई नई चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि नई नई मार्केट्स खुलें, नई नई प्रोडक्ट्स खुलें और कैसे हमारे किसानों को भी अच्छा अच्छा लाभ हो। मतलब इससे गेंदे के फूल हैं, गुलाब विशेष रूप से भेजा जा रहा है और गन्ना भी, क्योंकि वहाँ पर उनके पास ऐसी व्यवस्था है कि गन्ने का रस निकालने का एक अलग यंत्र है। तो ये एपीडा जो कार्य कर रहा है काशी और इसके आसपास के जिलों के किसानों के लिए अपने आप में सराहनीय है। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़ वाराणसी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की एक अदालत ने कैपिटल हिंसा मामले में डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य करार दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं। डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिंसा मामले में अपनी भूमिका के कारण अगले साल के राष्ट्रपति चुनाव में कोलोराडो में मतदान में शामिल नहीं हो सकते। अमेरिका के इतिहास में पहली बार है कि 14वें संशोधन की धारा 3 का उपयोग राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा, मेरे और सहयोगी शहला के साथ। नमस्कार।